ऊना जिला मुख्यालय में हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक हुई। ये बैठक पुराना बस अड्डा परिसर में आयोजित की गई। बैठक के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने अभी तक पेंशन नहीं मिलने को लेकर आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने समय पर पेंशन न मिलने को लेकर रोष जताया है। 11 तारीख तक हमारे कर्मचारियों को पे नहीं मिली और पेंशनर को पेंशन नहीं मिली, तो सरकार जैसे आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपदा तो अब चलेगी, हर डिपार्टमेंट में तनख्वाह 1 तारीख को मिल जा रही है, तो क्या हमारा डिपार्टमेंट जो HRTC है यही इससे वंचित रह जाएगा, जबकि हम कमाई भी देते हैं। और स्टाफ और डिपार्टमेंट एक बिजली वाले वैसे तो घाटे में बताते हैं, लेकिन कमाई तो पैसे तो नगर लाते हैं ना, ऐसे ही HRTC वाले भी पैसे नगर लाते हैं, उसके उपरांत भी हमें ये दरकिनार कर देते हैं। इसके साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार से उन्हें मिलने वाले मेडिकल अलाउंस समय पर देने का अनुरोध किया है। इस उम्र में बीमारी तो मतलब तकरीबन हर एक घर में ही है, जिनके बुजुर्ग माई बाप घर में है, वो किस्मत वाले हैं जिनके इस समय माई बाप बैठे हैं उनके, तो उनको दवाई का समाधान दुकानदार कोई उधार नहीं देता। आजकल बैंक में पता करने जाते हैं तो बैंक वालों के सामने भी हर में शिप शिप कर जाना पड़ता है कि यार बेइज्जती होगी, वो कह देंगे नहीं आए पेंशन। तो इसलिए सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि जैसे आपने बोला है इस महीना तो हो गया, लेकिन आगे के लिए हमारा ध्यान रखते हुए HRTC पेंशन का और कार्यरत कर्मचारियों का के समय पर हमें तनख्वाह और पेंशन मिल जाए। प्रदेश सरकार ने पेंशन कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं, इसके साथ ही हाई कोर्ट के कुछ फैसले भी लागू न करने को लेकर भी कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए ऊना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों ने मीडिया के माध्यम से सरकार से उनकी ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। ऊना से अमित शर्मा, सूर्य समाचार।